गाइस टेक्निकल आईडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गाइस आज मैं आपको एक काफी पावरफुल आरसी बोर्ड बनाकर दिखाऊंगा और इस आरसी बोर्ड को मैं पीवीसी पाइप की मदद से बनाने वाला हूं, तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, काफी मजा आने वाला है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहां पर मैं काफी सारे पीवीसी पाइप को कटिंग करके लेके आ चुका हूं और इस पीवीसी पाइप का जो डायमीटर है वो है 75 mm। तो यहां पर मैं टोटल जो है 6 पीस कटिंग किया हूं, छोटे छोटे साइज का, दो दो करके पीस। यहां पर टोटल 3 साइज का पीस कटिंग किया हूं, दो दो करके, तो टोटल 6 पीस हमारा हो गया है। तो ये एक साइज, ये एक साइज और ये एक साइज। तो यहां पर अभी जो है आपको मेजरमेंट में दिखा देता हूं किसमें लिखा है। देखिए यहां पर मैं लिख के रखा हूं आपको दिखाने के लिए। तो ये जो है 14 सेंटीमीटर का इसका लंबाई है। एक साइड से 75 डिग्री में कटिंग किया हूं और एक साइड से 90 डिग्री में कटिंग किया हूं। तो सेम इसी मेजरमेंट का ये वाला पीस है, तो इसका एक साइज हो गया है। अब इसका देखिए, यहां पर इसका जो लंबाई है वो है 19 सेंटीमीटर, इधर से 90 डिग्री में कटिंग किया हूं और इस साइड से 70 डिग्री में कटिंग किया हूं। तो सेम मेजरमेंट का ये वाला पीस, तो यहां पर दो साइज का हो गया है। और लास्ट वाला जो ये बड़ा वाला पाइप है इसमें भी लिख के रखा हूं। देखिए यहां पर इसका जो लंबाई है वो है 40 सेंटीमीटर का है और एक साइड से देखिए ये जो है 70 डिग्री में कटिंग किया हूं और इधर भी 70 डिग्री में कटिंग किया हूं, सेम इसका भी मेजरमेंट। अब इन सभी पाइप को आपस में जोड़कर एक बॉडी फ्रेम बनाना है आरसी बोर्ड का। तो मैं किस तरीके से इसे जोड़कर बनाता हूं, वीडियो देखते रहिए, कंप्लीट आपको जो है पूरा समझ में आ जाएगा किस तरीके से जोड़ना है। तो सिंपली यहां पर देखिए ये जो 90 सेंटीमीटर वाला पीस है उसे लेना है और यहां पर 90 डिग्री में जो कटिंग हुआ है दोनों पाइप को इस टाइप से फिक्स करना है और यहां पर हमें सुपर ग्लू से चिपका देना है। अब गाइस इसके साथ में हमें इस बड़े वाले पीस को चिपकाना है, एक को इस साइड में और एक को इस साइड में, इस टाइप से चिपकाना है। और ये जो दो छोटे छोटे साइज का पीस है इन दोनों को एक को यहाँ पर इस टाइप से चिपकाना है और एक को इस टाइप से। सभी पीस को चिपका कर कुछ इस टाइप का डिजाइन बना लिया हूँ और अब जाके ये जो है बोर्ड जैसा डिजाइन आ चुका है। देखिए कुछ इस टाइप से ये पानी में तैरेगा, तो मस्त बन चुका है। और गाइस इसका जो मेजरमेंट मैं आपको बताया हूँ, आप अपने हिसाब से इस साइज को जो है बढ़ाकर आप बड़ा साइज भी बना सकते हो, फिर छोटा साइज भी बना सकते हो। अब हमें क्या करना है, इसका जो ये पीछे वाला ये खुला हुआ हिस्सा है यहाँ पर हमें पूरा कवर करना है क्योंकि इस पाइप के अंदर जो है पानी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। एक तो इन दोनों को ढक देना है और सभी जॉइंट को पूरा ग्लू से जो है सील करना है, दो यहाँ से ब्रेसिंग टाइप का लगा देना है। तो चलिए इतना काम मैं कर लेता हूँ। फाइनली गाइस बोट का जो बॉडी फ्रेम है वो रेडी हो चुका है। देखिए सभी जॉइंट को मैं बढ़िया से ग्लू से चिपका दिया हूँ और यहाँ पर देखिए दो बीच में बेसिंग लगाकर एक बीच में प्लाईवुड का पीस लगा दिया हूँ, 12x24 सेंटीमीटर का पीस। यहाँ पर अब क्या करना है, हमें इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स फिट करना है इस बोट में। ये एक ब्रशलेस मोटर यूज करने वाला हूँ, 2700 kV का ब्रशलेस मोटर है, काफी हाई स्पीड से घूमता है। और इसके साथ में मैं यहाँ पर ये 3-ब्लेड प्रोपेलर यूज करूंगा, 6042 नंबर का प्रोपेलर है, तो ये जो है इसके साथ एकदम परफेक्ट है। और इस मोटर को चलाने के लिए यहाँ पर मैं एक 40 एम्पियर का AC यूज करूंगा और इसके साथ में यहाँ पर मैं एक 9 ग्राम का सर्वो यूज कर रहा हूँ। और इन सभी इलेक्ट्रॉनिक्स को पावर देने के लिए यहाँ पर मैं एक लिथियम पॉलीमर बैटरी यूज कर रहा हूँ। ये बैटरी जो है ड्रोन या फिर RC प्लेन कार वगैरह में यूज किया जाता है। ये 3 सेल
2200 mAh का बैटरी है। तो इन सभी पार्ट्स का मैं बाय लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दिया हूँ, वहां से जाकर आप बिजली बाय कर सकते हो। अब इन सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को एक एक करके इस बोट में मैं फिट कर देता हूँ। गाइस देखिए, ये जो बोट है ये पानी में चलेगा तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो जो है पानी से भीग सकता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक इस टाइप का जो डब्बा ले लूँगा, आप कोई सा भी डब्बा ले सकते हैं, ये बर्तन मांजने वाला जो साबुन आता है उसी का डब्बा है। तो इस डब्बे को हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिक्स कर देंगे और जितना भी बैटरी वगैरह है इसके अंदर रहेगा तो पानी से जो है भीगेगा नहीं। और मोटर को हम क्या करेंगे, इस टाइप से यहाँ पर फिक्स करेंगे। इसको फिट करने के लिए यहाँ पर मैं एक लकड़ी का एक पीस बना लिया हूँ, एक राउंड पीस ऊपर लगाया हूँ। तो ये जो है थोड़ा सा डिज़ाइन में बनाया हूँ ताकि मोटर यहाँ पर इस टाइप से फिक्स हो सके। आप जो है यहाँ पर लकड़ी का स्क्वायर पीस भी इस टाइप से लगा सकते हैं। तो ये पीस यहाँ पर फिक्स होगा और मोटर जो है यहाँ पर नट से टाइट हो जाएगा और ये प्रोपेलर यहाँ पर इस मोटर में फिक्स हो जाएगा। चलिए एक एक करके मैं अच्छे से फिट कर लेता हूँ। एसी और मोटर को यहाँ पर फिट कर दिया हूँ और कनेक्शन जो है काफ़ी इजी है। मोटर का तीन वायर एसी के तीनों वायर के साथ में कनेक्शन करके यहाँ पर फिट कर दिया हूँ और वायर को जिप टाई से बांध दिया हूँ ताकि ब्लेड वगैरह में फंसे ना। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो है ये वाला सर्वो मोटर आप देख रहे हो, इसे फिट करना है। इसे लगाने से पहले हमें क्या करना है, इसके पीछे में एक वर्टिकल में रडार सिस्टम लगाना है। उसके मदद से क्या होगा कि ये बोट जो है डायरेक्शन चेंज कर पाएगा। पहले रडार वाला सिस्टम यहाँ पर फिट कर देते हैं, उसके बाद ये सर्वो कनेक्शन करेंगे। तो इसको रख देते हैं साइड में। अब लेना है एक पीवीसी पाइप और इस पाइप का जो मेजरमेंट है वो इस गैप के बराबर का होना चाहिए और इसे हम यहाँ पर इस टाइप से जो है अंदर डाल के फिक्स कर देंगे। और बीच में देखिए मैं चपटा कर दिया हूँ हीट करके यहाँ पर नट टाइट करने के लिए। तो इसको जो है यहाँ पर कुछ इस टाइप से सेट करना है और इसके बाद दोनों साइड चिपका देना है। उसके बाद गाइस आपको एक रॉड ले लेना है, ये पतला वाला 5 mm थिकनेस है इसका, ये मैं साइकिल रिपेयरिंग शॉप से लेकर आया हूँ। इसके एक साइड पर जो है थ्रेड है नट टाइट करने के लिए। तो इस रॉड को हम क्या करेंगे, इसके सेंटर में यहाँ पर जो चपटा किए थे इसी नट को टाइट करने के लिए चपटा किए थे, तो इसको सेंटर में होल करके फिक्स करके टाइट कर देंगे बढ़िया से। गाइज रॉड को तो बढ़िया से यहाँ पर फिट कर दिया हूँ। अब गाइज एक आपको पीवीसी शीट से कुछ इस टाइप का पीस कटिंग कर लेना है। देखिए मैं यहाँ पर 14x20 cm का एक पीस कटिंग कर लिया हूँ और यहाँ पर देखिए दो ग्रुप बनाया हूँ। इन दोनों ग्रुप में क्या करना है, छोटे छोटे साइज का पीवीसी शीट से पीस कटिंग कर लेना है और इसको जो है यहाँ पर इस टाइप से लगा देना है और दूसरे वाले को यहाँ पर इस टाइप से, देखिए दोनों को कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है और उसके बाद सुपर ग्लू से मजबूती से चिपका देना है। तो गाइस इसे चिपकाने के बाद मैं दोनों पर होल कर दिया हूँ इस रॉड के थिकनेस के बराबर का और इसे हमें कुछ इस टाइप से फिक्स कर देना है। ये जाएगा नीचे और ये होल में फिक्स हो गया। देखिए तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम जो है वो आ रहा है नीचे, यहाँ पर देखिए मैं ग्रुप जो कटिंग किया था वो नीचे टच हो गया है, तो बढ़िया से ये रोटेट नहीं हो रहा है। तो इसे जो है यहाँ पर कुछ लगाना पड़ेगा। ये एक छोटा सा पाइप कटिंग कर लिया हूँ, इसको हम क्या करेंगे इसके अंदर डाल देंगे, थोड़ा सा हाइट बन गया। अब क्या करते हैं इसको इधर से डाल लेते हैं, देखिए अब मस्त घूम रहा है। और यहाँ पर देखिए ये खुला हुआ है, इस तरीके से निकल सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक इस टाइप का पाइप कटिंग कर लेंगे छोटा सा और इसे यहाँ पर टाइट करके लगा देंगे और इसके ऊपर हल्का सा एक बूंद ग्लू डाल देना है। तो ये मस्त चिपक गया है। तो यहाँ पर रडार सिस्टम जो है कम्प्लीट हो चुका है। अब क्या करेंगे, ये जो सर्वो है इसको लगाएंगे इस रडार के साथ में,
और इसे लगाने के लिए ये एक साइकिल का स्पोक देख रहे हैं, इसका यूज करेंगे। इस साइकिल स्पोक का एक साइड इस सर्वो मोटर के साथ कनेक्ट रहेगा और दूसरा साइड जो है इस रडार के साथ कनेक्ट रहेगा। सर्वो मोटर जिस हिसाब से जो है मूवमेंट करेगा उस हिसाब से ये रडार भी मूवमेंट करेगा। तो चलिए फटाफट इस सर्वो को यहाँ पर फिट कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं सर्वो को अच्छे से फिट कर दिया हूँ और देखिए गाइस ये वाला सर्वो मैं पहले यहाँ पर लगाया था, लेकिन ये वाला जो सर्वो है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था तो इसको मैं चेंज करके ये वाला सर्वो लगाया हूँ। ये भी 9 ग्राम का सर्वो है और ये भी 9 ग्राम का सर्वो है, पता नहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, मैं इसको हटाकर ये वाला सर्वो लगाया हूँ। तो अब हमें क्या करना है, ये जो सर्वो का लीड है इसको इस होल के अंदर से जो है बॉक्स के अंदर डाल देना है। वायर को इस तरीके से अंदर डालने के बाद ये जो होल आप देख रहे हैं यहाँ पर आप हॉट ग्लू या फिर सेलो टेप लगाकर पैक कर सकते हैं ताकि पानी अंदर ना आए। तो इस बोर्ड को अभी जो है कंट्रोल करने के लिए हमें ट्रांसमीटर का जरूरत पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर ये फ्लाई स्काई का i6 ट्रांसमीटर यूज़ कर रहा हूँ और इसके साथ में ये जो रिसीवर आता है इस रिसीवर को यहाँ पर हमें कनेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं रिसीवर को जो है कनेक्ट कर देता हूँ। रिसीवर का कनेक्शन जो है काफ़ी इजी है, देखिए गाइस ये जो रिसीवर है मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए इसके ऊपर जो स्टिकर था कौन सा पिन कौन सा चैनल का है तो वो सब स्टिकर वगैरह हट गया है, लेकिन मुझे पता है कौन सा चैनल क्या है। ESC का जो ये BEC वाला सिग्नल वायर है इसे हमें चैनल नंबर 3 पे लगाना है। तो ये वाला फर्स्ट चैनल पिन है और ये सेकेंड चैनल पिन है और ये वाला जो है थर्ड चैनल पिन है, तो इसी पर हमें जो है इसका कनेक्ट कर देना है। और इसके बाद ये जो सर्वो मोटर का वायर है इसे हमें चैनल नंबर 1 पे लगाना है। तो इधर से ये फर्स्ट वाला चैनल है तो इसी पे लगा देते हैं। तो यहाँ पर रिसीवर का कनेक्शन हो चुका है, अब इस रिसीवर को डबल साइड टेप से इस बॉक्स के अंदर जो है चिपका देना है। तो सबसे लास्ट में गाइस इस बैटरी को इसके अंदर फिट करना है। इसके अंदर फिट तो नहीं करना है, बार बार हमें बैटरी को चार्ज करने के लिए निकालना पड़ेगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस बॉक्स के अंदर बैटरी को इस टाइप से रख देंगे और यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे तो ये पावर जो है आ जाएगा। लेकिन इसे कनेक्ट करने से पहले जो है हमें ट्रांसमीटर को यहाँ से ऑन करना पड़ेगा। देखिए इस ट्रांसमीटर ऑन हो चुका है, अब चलिए बैटरी को कनेक्ट करते हैं। बैटरी कनेक्ट करते ही मोटर से साउंड आ गया, मतलब ये जो है बोट अभी चलने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो मैं फटाफट ढक्कन को बंद कर देता हूँ और चलिए अभी जो है ट्रांसमीटर से इसको कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले इस रडार को चेक करते हैं, देखिए गाइस काफ़ी मस्त काम कर रहा है रडार। अभी चलिए थ्रॉटल बढ़ा कर देखते हैं। अरे तो गाइस यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, बहुत बड़ा तो नहीं है, सिंपल प्रॉब्लम है। ये जो मोटर है ये उल्टा घूम रहा है, तो इसके वजह से इसका हवा जो है वो आगे की तरफ फेंक रहा है, लेकिन यहाँ पर इस मोटर का जो हवा है वो पीछे की तरफ फेंकना चाहिए तभी जो है ये बोट आगे की तरफ जाएगा। तो इस मोटर का जो घूमने का डायरेक्शन है उसे चेंज करने के लिए सिंपली यहाँ पर देखिए ये जो ESC का 3 वायर है इन तीनों वायर में से किसी भी 2 वायर को आपको आपस में एक्सचेंज करके लगाना है मोटर के वायर के साथ। देखिए करके आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले बैटरी को निकाल लेता हूँ, इसको निकालना है और इसको निकालना है। देखिए ये वाला इसमें लगा देना है और ये वाला इसमें, इन तीनों वायर में से किसी भी 2 वायर को आपस में एक्सचेंज करके कनेक्शन कर देना है तो मोटर का डायरेक्शन जो है सही हो जाएगा। तो चलिए बैटरी को फिर से मैं कनेक्ट कर देता हूँ और इस ढक्कन को भी बंद कर देता हूँ। तो अब ट्रांसमीटर से चेक करते हैं सही घूम रहा है या नहीं। सबसे पहले देखते हैं रडार एकदम ओके है, अब थ्रॉटल देते हैं। देखिए गाइस हवा जो है पीछे की तरफ फेंक रहा है, अभी चलने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो फाइनली ये RC बोर्ड जो है बनके रेडी हो चुका है, काफ़ी हाई स्पीड से चलने वाला है, पता नहीं कैसे चलेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं कलर करके इसका लुक थोड़ा चेंज कर देता हूँ और उसके बाद आपको चलाकर टेस्टिंग कराता हूँ। गाइस RC बोर्ड का कलर कंप्लीट हो चुका है, ऑरेंज कलर और येलो कलर का कॉम्बिनेशन में देखने में तो एकदम गजब लग रहा है देखिए। तो चलिए फटाफट इसको तालाब के पास लेके चलते हैं और उसके बाद चलाकर आपको दिखाते हैं। गाइस तालाब के पास आ चुका हूँ इस बोट को लेकर और यहाँ पर देखिए काफी बड़ा तालाब है, हमारे यहाँ पर इसे झील बोलते हैं। तालाब तो छोटे साइज का होता है लेकिन ये काफी बड़ा है तो इसलिए इसे झील बोला जाता है और इसके अंदर मछली पालन होता है। तो बोट को लेकर आ चुका हूँ, अब चलिए कनेक्शन करते हैं बैटरी का और उसके बाद चलाकर आपको दिखाते हैं।
ट्रांसमीटर ऑन हो गया, अब बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं। तो गाइस बैटरी का कनेक्शन हो गया है, अब चलिए इसको पानी में डाल देते हैं। मस्त रिमोट लाओ, रिमोट। चलिए गाइस चलाते हैं। ये देखिए रडार तो मस्त काम कर रहा है। मस्त काम कर रहा है। तो गाइस आरसी बोट तो काफी मस्त चल रहा था, लेकिन इसका स्पीड जो है काफी कम हो रहा था, क्योंकि ये जो आरसी बोट है वो आगे की तरफ ज्यादा वेट हो गया था। तो इसलिए मैं क्या किया हूँ, देखिए पीछे दो पत्थर को सेलो टेप से बांध दिया हूँ। थोड़ा सा जो है इधर पीछे का वेट जो है ज़्यादा हो गया, थोड़ा आगे इस टाइप से उठ गया है। अब जो है इसका स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, तो चलिए चलाकर फिर से देखते हैं। देखिए गाइस स्पीड पहले से बढ़ गया है थोड़ा सा। पानी कैसे फेंक रहा है पीछे से देखो। गाइस स्पीड भी बढ़ गया और पीछे से पानी देखिए गाइस कैसे फेंक रहा है, पूरा बहुत तेजी से पानी फेंक रहा है। और इसमें ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ये भी भीगने का कोई डर नहीं, कितना भी पानी यहाँ पर गिरेगा क्योंकि वो बॉक्स के अंदर है, इसलिए जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो काफ़ी मस्त ये आरसी बोट चल रहा है। आपको ये आरसी बोट कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पर।